हेलो एवरीवन, नमस्कार सर, आप सबका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में, न्यू ब्लॉग में। तो अभी हम बनाने वाले हैं चूल्हे पे खाना। तो अभी चूल्हे में लकड़ियाँ डाल चुके हैं और यहाँ क्योंकि गाँव में तो क्या होता है, मिट्टी का चूल्हा होता है, आजकल सीमेंट के भी चूल्हे बनाते हैं, बट शहर में ये सब तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर लोहे का चूल्हा है, उस पर हम खाना बना रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ एक बार कैमरे को बैक करके। तो चूल्हे पे जब हम खाना बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है एंड हेल्दी तो होता ही है, उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो अभी गांव वाली जो फीलिंग आ रही है, एंड जब हम छोटे थे तब गांव जाते थे, तो आज जो वो मतलब याद आ गया कि गांव में आज भी कैसे चूल्हे पे खाना बनाते हैं। और हम जब गांव जाते थे तो हम सब बैठ के दादी सा के हाथ का खाना खाते थे, तो बहुत ही यम्मी लगता था। तो मैं आपको कैमरा बैक करती हूँ और फिर बताती हूँ। तो ये है चूल्हा और अभी हमने लकड़ियाँ डाल दी हैं। हम अपने फ्रेंड के यहाँ पे आए डिनर के लिए और हमने डिसाइड किया कि हम चूल्हे पे रोटियाँ बनाएंगे। ये कहाँ रखना है? नहीं रख देना, तो सारा सामान आ गया है। अभी हम बनाने वाले हैं चूल्हे पे रोटी। और ये है इनका स्मॉल सा छोटा सा किचन गार्डन और वहाँ पे बिल्ली खेल रही है, तो यहाँ पे बच्चा पार्टी भी आ गई है। चलिए, नहीं इस बस सीधी है बिल्ली, कुछ भी नहीं कर रही है। हाँ कब से घूम रही है, इधर कहाँ गई? सीधी है, दो है पानी तक ही। तो हमने चूल्हे पे सारी रोटियां बना दी और अभी आ गए हम अंदर क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। और ये है हमारा देसी खाना, देसी बर्तनों में कढ़ी और कैर की सब्जी और ये गर्मा गर्म रोटी। इसका कलर थोड़ा ऐसा लग रहा है क्योंकि इसमें काले गेहूं मिक्स है। तो अभी हम करने वाले हैं डिनर। खा लेते अपन। यहाँ पर बच्चा पार्टी टीवी देखते देखते खाने को एंजॉय कर रहे थे, तो खाना बहुत टेस्टी बना था। वैसे भी चूल्हे पे बना हुआ खाने की तो बात ही अलग होती है। तो अभी हम भी डिनर करने वाले हैं और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।